इसीलिए कहते हैं गाइस धीमे चलाओ यार, धीमे चलाओ, जान की बहुत वैल्यू है। महाराज की मूर्ति के पास यदि यहाँ से हम ज्यादा नहीं बस। तो हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में। आज हमने प्रोग्राम बनाया है सनी देव जाने का, और जय 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 हो, जय हो भाई। आ चुके हम लोग, जा रहे हैं भाई, हम लोग साथ भाई जा रहे हैं। कैमरा ऑन है भाई, कैमरा ऑन ही रहेगा आज से, ऑन ही रहना चाहिए भाई। कैमरा सभी भाइयों का डिमांड है कि भाई ब्लॉग बनाओ, तो भाई ब्लॉग चैनल तुम्हारे भाई ने बना लिया है। हेलो, तो भाई आपको अभी थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। हमारे साथ अभी एक पार्टनर और जुड़ने वाला है, हम दो और एक लड़का और है। अभी देखो वो थोड़ा अचक सा है, देख के आपको ऐसा लगेगा। ठीक है गाइस, थोड़ी देर मिलते हैं। तो बोला था इससे पचौरी से कि गेट के बाहर आ जाए सोसाइटी के, लेकिन इस बंदे को इतनी शर्म नहीं है। हम इतनी दूर से 10 किलोमीटर से आ गए इसके पास, लेकिन अब तक ये गेट तक पहुंचा नहीं है। अब देखो हाथ हिला रहा है यहाँ पे। मत खोल गेट। खोलूंगा ही नहीं मैं गेट, खोलूंगा ही नहीं। चल खोल दिया, छोड़, खोल दिया। जब तुझसे बोली थी हमने कि तू 10 मिनट के अंदर आ जा, हम 10 मिनट में गेट पे पहुंच रहे तेरे पे। चल के तो तू ऐसा है जैसे कि तू बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। मैं जल्दी तो आ ही रहा था, जल्दी तो आ ही रहा था। ठीक है, अब ठीक है, चल कोई नहीं, ठीक है, आराम है। गाइस थोड़ा सा गाइस, चाय पीने रुके थे इस पे, अभी सुबह का टाइम है, सोचा कि थोड़ी चाय वाय पी ले। ये गुलशन ढाबा है इधर, ये पचौरी भाई है हमारे, ये सुनील भाई है, अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देखिए काफी क्राउड है इधर, ये अपने सुनील भाई चाय पी रहे हैं। ये आए कहाँ से इतने सुबह सुबह लोग? ये भाई लोग सब दर्शन करने आए हुए हैं सारे। अबे सनी देव के लिए नहीं आए ये भाई, ये सनी देव महाराज का दर्शन करने आए हुए हैं सब। आज सैटरडे है ना, आज सैटरडे है, हो सकता है। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ सनी देव महाराज की मूर्ति के पास। यदि यहाँ से हम ज्यादा नहीं बस 2 किलोमीटर बाद यहाँ से परिक्रमा शुरू हो जाएगी। इधर से नंदगांव सीधे और बरसाना भी यहाँ से 10 किलोमीटर सीधे, और आपको दिख ही रहा होगा जैसे शनिदेव महाराज का टेंपल 2.10 किलोमीटर यहाँ से है। जय हो शनिदेव महाराज की जय। भाई लो दर्शन कर लो तुम भी यहाँ खेतों के, क्या पता तुम लोगों ने ऐसा खेत ना देखा हो कभी जीवन में। ये हमारे यहाँ शनिदेव बाबा के यहाँ पे से मूर्ति के पास आए बाबा के वहां से, जो 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वही रास्ते पे फिलहाल है। यहाँ से परिक्रमा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, और ये परिक्रमा टोटल 4 किलोमीटर की है। देखिए इधर आप पूरा एक बार, जैसे कि सबका अलग ही तरीका है परिक्रमा करने का। जैसे अंकल जी लगा रहे हैं पीछे हमारे, जैसे हमारे अंकल जी लगा रहे हैं पीछे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर तालाब है एक, जहाँ पर बहुत सारे फूल आपको देखिए। यहाँ पर ये लोग मछलियों को दाना देते हुए, यहाँ पर मछलियाँ हैं भी या वैसे ही दाना दे? अच्छा होंगी, ऐसा नहीं हो सकती है वैसे। जब ये लोग दाना दे रहे हैं, ऐसे इनका क्या मतलब दाना दे? गाइस यहाँ पर लोग अपनी अपनी मनोकामना मांग के जाते हैं, अपने अपने ट्विन टावर खड़े कर रखे हैं सबने, कि यहाँ पर ट्विन टावर खड़ी करेंगे और अपने आसपास के जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर अपना बड़ा घर बनाएंगे। लेकिन देखो जैसी जिसकी मान्यता है उस हिसाब से उसने कर रखा है। और ये हमारे हनुमान जी भी बैठे हैं उस एक की बिल्डिंग पे, तो हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी? हाँ हनुमान जी। गाइस देखो ये तो मजबूर है, लेकिन आप नहीं है, आप अपना साफ सफाई रखें, खुजली उजली होती रहेगी। नहीं कि आप सब लोग भाई देख रहे हैं कि यहाँ से परिक्रमा हमारी शुरू हो रही है, और यहाँ से घूमते हुए पूरा एक 4 किलोमीटर का पूरा राउंड मारते हुए हमारी परिक्रमा एंड होती है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगती हैं, जैसे कि मेला
मेले टाइप पे लगता है यहाँ पर बच्चों के लिए, और काफी काफी पागल बनाने के आइटम भी हैं यहाँ पर। खाली बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, आपके घर में कलेश है, घर में झगड़े रहते हैं, तो भाई यहाँ पे आए जरूर सुलझवाएंगे ये लोग। जब तो हमारी परिक्रमा खत्म हो चुकी है, और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था कि हमारे भाई की ये जो शर्ट है आप देखो, ये कुछ ऐसी लग रही है जैसे कि इन्होंने सूट पहन रखा हो। एक बार थोड़ा मुड़ना मेरे भाई, मुड़ना, टर्न तो करो यार, चल मंदिर करो। कोई बात नहीं, मंदिर पूरा दिन हमारे पास है, शनिवार का दिन है, पूरे दिन एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये देखो, अंकल टक्कर मार रहा है, अंकल से टक्कर मार रहा है। तुझे पता नहीं अंकल कितने खतरनाक है, देख रहा है चार अंकल की, देख। नितिन पचौरी ये इनकी पिस्टल लेके भागने के लिए बोल रहा है, ये हमारे भैया खड़े हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि इनकी पिस्टल लेके भाग जाओ। तू से बना दे रहा सबको, अलग से बना देंगे भाई, गलत चीज है, पैसे लगेंगे उसके, 20 रुपए एक्स्ट्रा, 1000 रुपए का बना रहा लगभग भाई। एक सुई से तैयार, ये समझ लो जिंदगी खराब कर रहे लोग भागोगी। यहाँ तो भाई सब जिंदगी संवरवाने आ रहे हैं, तू तो जिंदगी खराब करने की बात कर रहा है, यहाँ तो कैंसर भी हो सकता है इससे। भाई ये है मंदिर की मेन एंट्रेंस, और यहाँ से एंट्री होती है शनिदेव बाबा महाराज के मंदिर की, और यहाँ पर जो भी तेल वगैरह और जैसे भी जो भी प्रसाद होता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। तरीके से यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है 50 रुपए का, अभी आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। 50, 100, 200 यहाँ पर सब लेने वाले आ रहे हैं, और अपना बुलाने की भी इनकी अलग टेक्निक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारते हैं। गाइस यहाँ पर बहुत सारे पंडित रहते हैं जो कि अपने प्रसाद को लेकर पूजा करवाने के लिए बोलते रहते हैं, अगर आपको पूजा करवानी हो तो यहाँ पर बहुत सारे पंडित रहते हैं, करवाते रहते हैं पूजा, और अगर आप खुद जानते हैं करना, खुद आ चुके हैं, जानते हैं, कर सकते हैं, तो आप खुद कर। गाइस आज तो भीड़ बहुत हल्की है, बहुत कम है, लेकिन और दिन ऐसे होते हैं कि इन लाइनों में खड़े खड़े कम से कम 15-20 मिनट में पार हो पाते हैं यहाँ से। पर सब लोग स्नान करके दर्शन करने जाते हैं, आप देख ही सकते हो किस तरीके की आस्था है, किस तरीके की श्रद्धा है लोगों की, जहाँ पर आते हैं नहाते हैं और अपना दर्शन करके अपने घर। नहा तो लेता भाई मैं, लेकिन मैं सुबह नहा के आ गया था ना, नहा तो लेता भाई मैं, नहाने में कोई दिक्कत नहीं थी गाइस, पर हाँ हाथ पैर जरूर धो लेंगे अभी, ये हमारे पचौरी जी गए हुए हैं नीचे। जैसे टाइपिंग बहुत जोर करे, टाइपिंग एडिटिंग, अजी हाँ क्या करता है, यूट्यूब बनाता है ना। फिर अच्छा हल्की बात वैसे ही, पर भैया एडिटिंग अजी हाँ। और भाई यहाँ से कोई भी भक्तगण, कोई भी भक्त भूखा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भंडारे चलते रहते हैं जगह जगह पर, आप देख सकते हो जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आके भंडारे करवाते हैं यहाँ पे। गाइस ये बहुत ऊंची प्रतिमा है शनिदेव महाराज जी की, आप सब लोग देख सकते हो इस गाड़ी का कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये पलवल हाईवे पे एयरबैग वगैरह सब खुले हुए हैं, कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर, साइड के मिरर तक नहीं बचे हैं, रियर व्यू मिरर, टायर को देखो आप किस तरीके की हालत है टायर की, कितनी पलटी खाई है ये कुछ पता ही नहीं है इसमें गाइस। तो इसीलिए कहते हैं गाइस धीमे चलाओ यार, धीमे चलाओ, जान की बहुत वैल्यू है।
भाई लगता है रात को हुआ है, ये रात को हुआ है। अब सुबह आए थे गाइस, जब तो सुबह आए थे जब तो नहीं था, लेकिन आप देख रहे हैं गाइस तो ये अभी देखो क्या हालत है इसकी। शीशे भी नहीं बचे हैं, शायद इसमें जो भी कोई होगा, देखो भगवान शायद बच ही गया हो, पर लगता नहीं है देखने से। देखो भाई ये सिविक गाड़ी है, सिविक होंडा सिविक। तो भाई वो ड्राइव सेफली यार, बस इतना ही कहना था। तो भाई जैसे कि अब तक की आपने वीडियो देखी, होप सो अच्छी लगी होगी। हमने आपको शनिदेव महाराज के दर्शन करवाए और भी बहुत सी चीज़ें दिखाई, लेकिन आते टाइम गाइस बिल्कुल मूड ऑफ हो गया, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, बिल्कुल मन ही नहीं करा उसके बाद वीडियो बनाने का। तो फिर गाइस मैं अब घर आ चुका हूँ, अब मैंने सोचा कि यहाँ वीडियो को एंड कर देते हैं। तो गाइस जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, क्योंकि नया चैनल है तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो जब तक के लिए गाइस सब ठीक रहें, सब बढ़िया रहें। जय हिंद, जय भारत।